नमस्कार, वेलकम बैक टू एटी सिटी। आज हम आ चुके हैं कुटनी पोषक डैम। ये छोटा सा नदी है जिसका नाम था, अभी भी नाम है, कुटनी। और इस कुटनी के आगे ही मेरा छोटा सा गांव था जो अब नहीं रहा। इस नदी की वजह से डैम बन गया। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा डैम है, आगे कुटनी डैम के नाम से जाना जाता है। और ये आगे पूरा गांव वगैरह, खेती वगैरह थी हमारी, तो अभी गांव भी डूब गया और खेती तो सारी निकल गई है। लेकिन इस बार शायद ओले ओले इतने पड़े कि सारी खेती खत्म है। तो यहाँ पर सारा बचपन बीता है। इसी नदी में नहाने के लिए आते थे, मस्ती करते थे बचपन में जब बहुत छोटे थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बदलता है, लोग बदलते हैं, मौसम बदलता है। ये देखिए, इन्हीं चट्टानों पे खेल खेल के बड़े हुए हैं। इन्हीं चट्टानों के साथ काफ़ी बचपन बिताया है। शायद बचपन की कुछ यादें यहाँ पर होंगी। चट्टानों पर पहले तोड़ तोड़ के नाम भी लिखा करते थे। नाम तो डूब गए होंगे क्योंकि इस साल ही ये पानी सूखा है, इस साल पानी है नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये जो है दिख रहा है आपको, ये डैम है। यहाँ पर ये डैम दिख रहा है और यहीं पर एक रिसॉर्ट भी है बहुत प्यारा, एमपी टूरिज्म का। अगर कभी मौका मिलता है तो ज़रूर आएँ कुटनी पोषक डैम में। और यहाँ पर जो रिसॉर्ट है, ये रिसॉर्ट में रुक के जाएँ, बड़ा आनंद आता है। शाम की हवा बड़ी अच्छी होती है, ठंडी होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है, ये सब खेती बाड़ी है। अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन ये सारी जो है, जिसके पास जो ज़मीन थी वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ कुछ करने आएगी नहीं। तो अभी दिखाएंगे आपको आगे, टूटा फूटा गांव भी दिखाएंगे। बट बहुत प्यारी यादें थी, सब कुछ था। अब तो बस ऐसे ही खाली कभी कभी आते हैं और देख के चले जाते हैं। अच्छा लगता है पुरानी यादों के साथ। चलिए, धन्यवाद। आगे दिखाएंगे कुछ और अगर मिलेगा गाँव में तो।